नमस्कार दोस्तों, भोलाराज ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, तो बहुत खुशी की बात है कि आज गणतंत्र दिवस के साथ साथ विद्यादायिनी विनयपाणि माँ सरस्वती पूजा भी है। आज माघ श्री पंचमी का दिन है, तो आज उनकी आराधना का भी दिवस है। सर्वप्रथम हम सभी लोग प्रभात फेरी, जिसको हम लोग नगर भ्रमण भी कहते हैं, अपने घोष दल के साथ, जिसका प्रमुख हैं हमारे शिवनंदन आचार्य जी, उनके द्वारा घोष दल पूरा समूह के साथ, तामझाम के साथ नगर भ्रमण कराया जाता है। इसमें सभी आचार्य बंधु भगिनी कर्मठता के साथ अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए, अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए इस कार्यक्रम को संपन्न करते हैं। नगर भ्रमण के पश्चात मुख्य अतिथि के द्वारा तिरंगा ध्वज को फहराया जाता है, उसके बाद घोष दल के द्वारा सलामी दी जाती है और मुख्य अतिथि का उद्बोधन और कार्यक्रम की समाप्ति। क्योंकि आज बसंत पंचमी का भी दिन है, माँ शारदे का दिन है, तो सभी लोग फिर हम लोग पूजा की ओर लगेंगे। आगे देखते हैं पूजा की कुछ झलकियाँ। बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, अपनों के बीच में शेयर करेंगे और अपना प्यार हमें देते रहेंगे। सभी भैया बहन, प्रधानाचार्य जी, सचिव महोदय और अन्य आचार्य दीदी जी के साथ पूजा का कार्यक्रम आगे की ओर बढ़ता हुआ। इसी बीच भैया बहन परिसर में लगे झरने का भी आनंद लेते रहे और पूजा आगे की ओर बढ़ता रहा। पूजा के बाद प्रसाद वितरण का कार्यक्रम चला, जो संध्या 6 बजे तक चला। 6 बजे के बाद संध्या आरती और फिर कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम, जिसमें नन्हे मुन्ने भैया बहनों ने भाग लिया। दोस्तों, भजन संध्या में बहुत सारे कार्यक्रम भी हुए, छोटे बहनों का नृत्य भी हुआ, लेकिन मैं साउंड सिस्टम संभाल रहा था इसलिए मैं वीडियोग्राफी नहीं कर पाया। इसके बाद आचार्यों का फोटो सेशन का कार्यक्रम चला और फिर हम सभी लोग कार्यक्रम समाप्त करके अपने घर की ओर प्रस्थान कर गए। कैसा लगा यह वीडियो आप कमेंट करके बताएंगे। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आज घर के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता।